और मुझे हंसी इस बात की आ रही है, ऐसे ऊपर से लाइट लगा के इधर से ये करके, ओ कैमरा रोल हो रहा है। हेलो फैमिली, व्हाट्स अप, वेलकम टू रिमोरो प्रेजेंट्स री व्लॉग्स। मैंने कहा जमाने को कह दो, लोगों को कह दो, सबको बता दो, अब वो आने वाला है जिसका इंतजार आपने, मैंने और इस पूरी दुनिया ने किया है। आप लोगों ने कहा था ना इतना कमेंट करके कि री भैया प्लीज स्केरी स्टोरी करो, और आए भी वो लोग हैं मेरे साथ यार, वो लोग, वो जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो आए हैं। आपका स्वागत है जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ मैडम, अच्छा। आपको भी बोल रहा हूँ मैडम, स्वागत। सीरियस करना क्या इनकी जो कहानियां हैं ये जब अपनी जुबानी सुनाएंगे तो आई थिंक जी सब डरेंगे। अच्छा, जीतेगा कौन? कि मतलब जो सुन के अच्छे से बैठे रहेगा, जो सुनाएगा उस वो जीतेगा? जो सुनाएगा उसका टैलेंट होना चाहिए, वो पॉइंट कैसे गेन करेगा, वो कैसे गेन करेगा अगर साथ वाला डर गया। सो गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वाकई में बहुत स्केरी है, क्योंकि इट्स अ रियल स्टोरी, जब मैं बॉम्बे आया था उस जमाने की। पर एक बात, स्टोरी शुरू होने से पहले आप लोग अपने दरवाजे बंद कर लें और म्यूजिक व्यूजिक ये सब चीजें बंद कर लें, ताकि आप मुझे और मेरी स्टोरी को फील कर सकें गाइस। और आई एम डैम श्योर जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ उससे सब डरने वाले हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी। भैया मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मुझे नहीं डरा पाओगे। बेटा वो तो स्टोरी के बाद देखें। जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो आई शिफ्टेड टू सम प्लेस, एक छोटा घर था जहाँ हम लोग तीन लोग रहते थे, और वहाँ पे अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती थी, ऐसा हमें सोसाइटी ने कभी बताया नहीं। हम लोगों को वो सस्ते में मिल गया बिकॉज वो रेंट पे था, तो ऐसा ऐसा अजीब अजीब सी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिली जो रात को जैसे 11-12 बजे के आसपास शुरू होती थी, कि किसी चीज़ का आना जाना, या जैसे आप चल रहे हो तो, या बैठे हो, कोई बैठा है आपके साथ, समथिंग लाइक दैट। तो किचन में मैं जाता हूँ, किचन में जाता हूँ एंड किचन के फ्रिज के साथ, बिकॉज वो बहुत बिल्कुल डार्क प्लेस था, हमारा किचन बिल्कुल एंड में था, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ एंड जा रहा हूँ, एंड देन सडनली वहाँ पे मुझे, जैसे मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज खोल के मैंने वहाँ से एक बॉटल निकाली पानी की, मैंने वो बंद किया, एंड होती है ना फ्रिज की हल्की सी लाइट थी, तो मुझे ऐसा लगा कि फ्रिज के साथ कोई बंदा बैठा हुआ, एक्चुअली में बंदा बैठा हुआ, और एकदम ऐसा ब्लैक बंदा, और वो ऐसे, और वो मुझे लिटरली गाइज, मैंने जब ऐसा बंद किया तो ना ऐसे हल्का सा नोटिस किया तो वो ऐसे देख रहा है, ऐसे ही ज़िप बाहर निकला। एंड मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं कुछ बताया, मैं कहा क्योंकि अगर मैं बता दूंगा सब लोगों को डर लगेगा। जिस कमरे में एक्चुअली कोई जाता नहीं था हमने से, वो हमने एक स्टोर बनाया हुआ था, पर उस दिन हमने उसको साफ सूफ करके एकदम ऐसा बेड वेड लगा के, तो बोला पाजी मैं सो जाऊँ क्या? मैं कहा ओके फाइन, सो जाए यार, क्या प्रॉब्लम है। तो वो जाके वहाँ सो गया, एंड देन रात को एकदम हम लोग सब सो रहे हैं ऐसे आवाज आई। ओके क्या हुआ? कह रहा पाजी, लिटरली उसने मुझे ऐसे बोला, पाजी मेरे को किसी ने ना ऐसा पंच मारा है। क्या बात कर रहा है? ऐसे ही था वो स्टिल, कि जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मार दिया होता वैसा। आई सेड ए चल अभी यहाँ ड्रामा मत कर। उसने पूरा ये खोला शर्ट, यहाँ पे पूरा पंच का मार्क था। तो मैंने जब देखा, हम लोग शॉर्ट्स में थे, बिना चप्पलों के, बिना कैश के वहां से निकले, हम ऑटो में गए, फुल नाइट बीच पे बॉम्बे की हमने निकाली, और 4 बजे हम लोग 4:30-5 बजे वापस आए। वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि रूम ओपन किया, और रूम ओपन करते ही पूरा फ्लोर में पानी, एंड वी वर शॉक्ड, मतलब क्या हुआ है। लास्ट रूम में गए तो वहां अगेन वैसा ही गंदगी, जैसे मतलब वो जाले वाले सब लगे होते हैं ना, हमने क्लीन किया था भाई सब, और जब मैं अंदर गया तो सब वैसा ही, ये वे सब गिरा हुआ है। और वहां पे जो रात को आवाजें आती थी वो सुबह 4:30 बजे आने लगती, एंड वहां पे हम 4 बजे जब हमने दरवाजा खोला है
दरवाजा खोल के हम अंदर गए हैं। जब अंदर गए हैं तो लिटरली गाइस जैसे इट वाज लाइक दैट। और हमने उसके बाद उस घर की तरफ नहीं देखा। और वहां मोस्टली आए दिन ये चीजें होती रहती है। इट्स अ वेरी हॉन्टेड बिल्डिंग एंड इट इज अ रियल स्टोरी। तू तो कह रही थी मैं डरूंगी नहीं। मैं कहां डरी? तीन बार तो से कांप गई तू इसके ऊपर। मैं क्यों कांपी हूं? तीनों ही ऐसे हो गए एकदम। नहीं नहीं मैं तो सुन रही हूं। और इस तरीके से इस डर डर किस किस को लगा? मेरे तो चलो देखो ये देखो। नहीं मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट है भाई। मैं सुना रहा हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मेरी शक्ल से देख सकते हो। ऑफ कोर्स पारस पाजी की तो काफी अच्छी स्टोरी थी। रियल स्टोरी थी। ऑफ कोर्स जो मैं सुना रही हूं वो भी रियल स्टोरी है। ओके। क्या हुआ था कि हमारे ना रिलेटिव्स लाइक पंजाब साइड पे ही आ रहे थे। तो वो हाईवे टाइप था और थोड़ा रास्ता जंगल टाइप से जाता था, मतलब जंगली इलाका था थोड़ा। देखा कि ना साइड पे रोड पे ना एक काफ़ी प्रिटी सी लेडी अच्छे से कपड़े पहन के एक अपना बच्चा लेके जा रही है। तो वो उन्होंने देखा कि इतनी रात को ऑफ कोर्स यू नो बच्चा लेके एक लेडी जा रही है, लाइक कुछ हो ना जाए यू नो। तो उन्होंने कहा कि चलो हेल्प करते हैं। आंटी ने बोला कि आप ऐसे करो जाके पूछ के आओगे, अगर उनको कोई लिफ्ट चाहिए तो हम ले चलते हैं अंदर। तो अंकल ने गाड़ी रुकाई तो वो थोड़ा सा पीछे गए। उन्होंने बोला मैम मैम, तो वो जो लेडी है ना वो बिल्कुल नहीं रुके, वो सिर्फ चल रहे थे। तो आई डोंट नो क्या हुआ, अंकल बस उनके पीछे एकदम ना यू नो इतना एकदम हिप्नोटाइज से हो गए थे कि मतलब जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ 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 अंकल भी जाने लगे। वो मतलब अगर वापस आना भी चाहे ना तो वो मतलब टर्न भी नहीं कर पा रहे। तो एकदम लाइक एक अंकल उधर से कहते हैं ओ हेलो भैया सुनो एक्सक्यूज मी कहाँ जा रहे हो। तो एकदम वो मतलब तो वो कहते कि भाई वो भूत है जिसके पीछे जा रहे हो, अपनी कबर पे लेके जा रही है, तुम्हें भी खींच लेगी साथ में। तो उस टाइम पे जैसे उन्होंने पीछे देखा तो कोई इंसान भी नहीं था, और जब उन्होंने देखा तो एक वो कब्रिस्तान में खड़े। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी मॉम हम कहीं जा रहे थे, मतलब अराउंड 10:30-11 हो रहे थे। मुझे नहीं पता था वो एरिया कौन सा है, कैसा है, क्या नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मैंने GPS पे डाला, तो GPS पे लोकेशन डाला तो वही फॉलो करते करते मैं वहाँ ऑन द वे मतलब पहुँच रही थी। 10 मिनट का रास्ता वहाँ से रह गया था। उसके बाद जब वो एरिया में मैंने एंटर किया, मेरा जो GPS था वो मुझे कुछ शो नहीं कर रहा था, मतलब बंद हो गया था। और मेरा कॉल, मैंने कॉल किया फ्रेंड को कि कहाँ पे है, लोकेशन क्या, मुझे मिल नहीं रहा। मेरे कॉल जो मेरा फ़ोन था, मेरे नेटवर्क भी सब चला गया था। पूरा जंगल था, बहुत डार्क था। थोड़ी देर बाद जब मैं पहुँची रास्ते में तो वो एकदम सडनली वो GPS मेरा कनेक्ट हो गया और सामने जब देखा तो डेड एंड था। अब ये आपके GPS पे नॉर्मल GPS पे वही मतलब जो लोकेशन मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था वही फॉलो करते करते वो उसके घर की थी। ओके। वो घर की थी बट जब मैं वो फॉलो करते करते पहुंची तो डेड एंड आ गया। तो पीछे से कार आती है और वो हॉर्न कर रहा है कि, तो हम थोड़ा सा डर गए कि वैसे तो कोई दिख नहीं रहा और सडनली एक कार आ गई। तो मेरी कार ये है लाइक दैट और उसके पीछे से वो आया तो वो बोला कि मुझे ना पवई जाना है। और वो पवई का रास्ता भी नहीं था जाने का, वो पता नहीं कहाँ से वो आया। तो ऐसे पवई का ये रास्ता ही नहीं है, वो तो अलग ही है। तो लाइक अच्छा तो आप यहाँ पे कैसे, मतलब आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए। ऐसे नहीं मैं बस टर्न ले रही हूँ। कहता आप लो मतलब आप टर्न करो कार को, मैं लाइट देता हूँ। बिकॉज वहाँ पर इतना डार्क था मैं टर्न कर ही नहीं सकती थी, मतलब फंस गई थी बहुत ज़्यादा। सडनली मैं ऐसे गई तो मैंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ पवई कहाँ से मतलब जाना है रास्ता। तो मैंने कहा मुझे फॉलो करो। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी, नॉर्मली मेरे पूरे मैंने गाड़ी को टर्न किया, मैं नीचे उतरी, वो मेरे पीछे ही था। सडनली वो गायब हो गया, वो गायब हो गया, वो गाड़ी ही गायब हो गई। अच्छा I said, no, वो तो अभी पीछे था ये। पर ये भी होता ना, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है। अब हाँ तो वही भगवान ने किसी को भेजा, किसी को भेजा हेल्प। ओके सो गाइस अब है बारी मेरी एंड
आई डोंट नो ये चैलेंज जब हमने शुरू किया था तो सोचा था फन करेंगे मस्ती करेंगे लेकिन इसे आप चैलेंज बोले लेकिन आपको सिर्फ नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा डरा है क्योंकि ये मेन चैलेंज वही है. सो बेसिकली एक बार एक शादी का माहौल होता है वहाँ पर शादी हो रही होती है. सो ये शादी लड़की की मर्जी के बगैर हो रही थी विच इज़ वेरी रॉन्ग. थोड़े वक्त में जब उसे बुलाने वाले थे उसके दिमाग में एक आइडिया है कि मैं भाग चलती हूँ और वो लिटरली वहाँ से भागी. भाग रही थी तो वो सड़क पर पहुँची वही लहंगे में वही अवतार में. बीच सड़क पे है स्ट्रीट लाइट्स हैं और एक बंदा वहाँ से गुजर रहा था और उसने बोला कि भाई साहब यहाँ से मुझे बस लेनी है एक जगह पर जाने के लिए तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ होगी. उसने बोला कि आप सीधा जाइए और वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए वहाँ पर आपको वो बस मिल जाएगी और इस वक्त तो चलती ही है. उसने उनका शुक्रिया अदा किया और वो उसने नमस्ते करके जैसे ही पैरों को हाथ लगाने की कोशिश की तो पैर उसके वहाँ नहीं थे उस इंसान के पैर उल्टे थे. वो भागी वो बहुत तेज़ भागी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो भागती गई रास्ते में एक गाड़ी आ रही थी उसे जैसे तैसे करके रोका. उसने बोला भाई साहब मुझे प्लीज़ यहाँ से कहीं ले चलो. उसने बोला कोई बात नहीं आप बैठो मैडम कोई टेंशन नहीं है. वो बैठ गई गाड़ी में और गाड़ी निकली. उसने बोला मैडम क्या हुआ. तो उसने बोला कि मैंने वो जो बंदा देखा था उसके पैर उल्टे थे. तो उसने बोला मैडम आप उसने पानी वानी पिलाया. उसने बोला कि मैडम आप टेंशन मत लें सब रिलैक्स हो जाए यहाँ पर अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो उसने बोला कि मैडम क्या आपने उनके हाथ देखे थे. तो उसने बोला कि नहीं. उसने बोला था मैडम उनके हाथ भी उल्टे हैं. तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता है. कहता क्योंकि मेरा भी हाथ उल्टे है. Okay, so this was not a real story. मेरा भी हाथ उल्टे हैं. आपको मिलते रहेंगे. आगे क्या करें यार आगे? हम लोग गाइस को पास छू करते रहे तो आगे मैं वो क्या करेंगे. तो आप अगर इस वीडियो को 103K लाइक्स मिलते हैं तो हम वो करेंगे जो आप हमेशा से चाहते हैं यानी कि कोई और चैलेंज. ओके सो गाइस जाने से पहले 3, 2, 1 गो. वी मोर रॉक व्लॉग्स. लव यू गाइस.